गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एट होम। स्टूडेंट्स, जैसे कि आज जो है हम यूनिट फिफ्थ की लेसन नंबर 12 जो है हम करने जा रहे हैं। इससे पहले जो 10th लेसन था और लेसन नंबर जो 11 था वो हमारे सिलेबस से जो है वो कट हो चुके हैं। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला जो लेसन था और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जो लेसन था वो दोनों हमारे जो है सिलेबस से कट हो चुके हैं। आज जो है हम सेकंड बुक का जो लास्ट लेसन है वो करने जा रहे हैं। इस लेसन के बाद जो है हमारा जो सेकंड बुक, जिसको हम पार्ट बी भी बोल देते हैं, वो लेसन जो है वो बुक जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेसन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे जो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। बच्चों, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे प्राकृतिक जो प्रदूषण है, चाहे वो जल प्रदूषण है, चाहे वो वायु प्रदूषण है, चाहे वो भू प्रदूषण है, चाहे वो हमारे ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण के अंदर जो प्रदूषण फैल रहा है उसके ऊपर जो है हमारे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे और उनके जो आने वाली समस्याएं हैं और उन समस्याओं का जो समाधान है उनके बारे में जो है हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है। प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं। प्रदूषकों के वाहित एवं विस्तृत होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। आपने पहले भी नाम सुना होगा, जैसे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, भू प्रदूषण है, उसके बाद जो है ध्वनि प्रदूषण है। तो आज जो है हम सबसे पहले जल प्रदूषण के बारे में करेंगे कि जो जल प्रदूषण है वो कैसे फैलता है, उसके पीछे कौन कौन से जो है उत्तरदायी कारक है। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तारण के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का बहुत अधिक निम्नीकरण हुआ है। नदियों, नहरों, झीलों तथा तालाबों आदि में उपलब्ध जल शुद्ध नहीं रह गया है। इसमें अल्प मात्रा में निलंबित कण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ समाहित होते हैं। जब जल में नए पदार्थों की स्वतंत्रता बढ़ जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है। इस तरह वह उपयोग के योग्य नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में जल में संवत शुद्धिकरण की क्षमता जल को शुद्ध नहीं कर पाती। देखो बच्चों, जल प्रदूषण की जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी है कि जल के अंदर जो हम कहेंगे कि अवशिष्ट पदार्थों का मिलना, या फिर हम यूँ कहें कि उसके अंदर ऐसे पदार्थ मिल जाना जिससे उसकी गुणवत्ता में जो है कमी आए, उसी को जल प्रदूषण कहते हैं। आज के वर्तमान समय के अंदर हम देखते हैं कि चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो नहरें हों, झील हो, तालाब हो, यहाँ पर जो है उनके अंदर जो है शुद्ध जल नहीं मिल पाता। उनके अंदर अल्प मात्रा में या अधिक मात्रा में जो है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो उसमें मिले हुए होते हैं। जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों, देखो बच्चों, अब तक जो है आप लोगों ने क्या पढ़ते आए हो कि जो जल प्रदूषण के जो कारण है उसमें मानव क्रियाकलाप को जो है ज़्यादा उसमें सम्मिलित किया जाता है। बट परंतु जहाँ एक तरफ मानव क्रियाकलापों के द्वारा जो है जल प्रदूषण हो रहा है, उसके साथ ही कुछ प्राकृतिक स्रोत भी हैं जिसकी वजह से जल की गुणवत्ता के अंदर जो है वो कमी आती है, या हम कहें कि जल जो है वो शुद्ध नहीं रह पाता। जैसे कि अपरदन, भूस्खलन, पेड़ पौधे और मृत पशु के सड़ने गलने आदि से प्राप्त प्रदूषकों से भी होता है। यद्यपि मानव स्रोतों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक चिंता के वास्तविक कारण है, कहते हैं जो प्राकृतिक तरीके से जो जल प्रदूषण होता है उसमें वह अपने आप ही जो है जल अपने आप को शुद्धिकरण कर लेता है। बट समस्या क्या उत्पन्न होती है, जब मानव स्रोत जो है
वो उसमें आकर मिल जाते हैं, कि मानव के द्वारा जो जल प्रदूषण किया जाता है वो कारण जो है महत्वपूर्ण ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से ही जल प्रदूषण जो है वो अधिक होता है। मानव जल को उद्योगों, कृषि एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रदूषित करता है। देखो बच्चों, आपने जो है ना ये गतिविधि के बारे में आपने अच्छे से जाना होगा कि उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को जो है हम नदियों में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि नदियों का जो पानी है वो प्रदूषित हो जाता है। साथ में हम ये भी पढ़ते आए हैं कि नगरों का जो सीवरेज का जो पानी है वो पानी भी जो है नदियों में डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है नदी का जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। कृषि के अंदर भी जो आपने देखा होगा कि हम अत्यधिक मात्रा में जो है रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, तो उससे भी जो है जल प्रदूषण जो है वो बढ़ता चला जाता है। जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों के अंदर जो है हम देखते हैं कि कुछ मानव के द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियां जो हमारे धर्म और हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके द्वारा भी जो है हम क्या कर रहे हैं, जल को जो है प्रदूषित कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जो है हरिद्वार का जो नाम सुना होगा, वहाँ पर जो है मोस्टली क्या होता है कि धार्मिक जो क्रियाकलाप है वो ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, उसमें जो है ना दिए या फिर वहाँ पर क्या करते हैं लोग कि अध जली लाशों को भी जो है वो नदियों में डाल देते हैं, तो उससे भी जो है ये इस कारण जो है ना नदी का जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। या फिर गणेश विसर्जन के समय भी जो ऐसे आप हमने देखे हैं कि ऐसी जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं उसके अंदर क्या होता है, जल के अंदर जो है प्रदूषित है, जो प्रदूषण जो है वो बढ़ जाता है। इन क्रियाकलापों में उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक है। कहता है कि ये क्रियाकलाप तो है ही है, लेकिन जो सबसे अधिक जो जल प्रदूषण का कारण है वह है उद्योगों के कारण जो है यहाँ पर जल प्रदूषण की मात्रा जो है वो अधिक बढ़ती जा रही है। उत्पादन प्रक्रिया में उद्योग अनेक अवांछित उत्पाद पैदा करते हैं, जिसमें औद्योगिक कचरा, प्रदूषित अवशिष्ट जल, जहरीले गैस, रासायनिक अवशेष, अनेक भारी धातुएं, धूल धुआं आदि शामिल होता है। अधिकतर औद्योगिक कचरे को बहते जल में अथवा झीलों आदि में विसर्जित कर दिया जाता है, परिणाम स्वरूप विषाक्त रासायनिक तत्व जलाशयों, नदियों तथा अन्य जल भंडारों में पहुंच जाते हैं, जो इन जलों में रहने वाले जैव प्रणाली को नष्ट करते हैं। सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग चमड़ा, लुगदी व कागज, वस्त्र तथा रसायन उद्योग है, जहां पर सबसे ज्यादा जो है वो प्रदूषण फैलाते हैं। आधुनिक कृषि में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है, जैसे कि अकार्बनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि भी प्रदूषण उत्पन्न करने वाले घटक हैं। इन रसायनों को नदियों, झीलों तथा तालाबों में बह दिया जाता है। यह सभी रसायन जल के माध्यम में जमीन में स्रावित होते हुए भूजल तक पहुंच जाते हैं। उर्वरक धरातली जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। भारत में तीर्थ यात्राओं, धार्मिक मेले व पर्यटन आदि जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों में भी जल प्रदूषण का एक कारण माना जाता है। भारत में धरातलीय जल के लगभग सभी स्रोत संदूषित हो चुके हैं और मानव के उपयोग के योग्य नहीं है। जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार के जल जनित बीमारियों का एक प्रमुख स्रोत, दूषित जल के उपयोग के कारण प्राय दस्त, आंतों के क्रिम, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में लगभग एक चौथाई संचारी रोग जल जनित होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि जल की वजह से जो है हमारा जो है कितना और हमारे पर्यावरण को जो है कितना नुकसान हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही जल प्रदूषण के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी हमारी वायु प्रदूषण के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।